नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर भटोही आज एक बिजनेस डॉक्यूमेंट्री के अंदर आपको जयपुर के अंदर एक विशेष फर्म से आपको मैं गुफ्तगू कराने जा रहा हूँ, कुछ परिचय कराने जा रहा हूँ। और जिस फर्म के लिए अभी आप हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है मोदी फर्नीचर अनलिमिटेड। विद्याधर नगर जयपुर के अंदर एक बहुत यूनिक एक फर्म है जो कि फर्नीचर के अंदर बहुत सारे सेगमेंट के अंदर काम करती है। ऑफिसर फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर समझ लीजिए, इंस्टीट्यूशनल फर्नीचर समझ लीजिए, है ना, बहुत सारे फर्नीचर के अंदर जो है वो डील करते हैं। अभी मैं आपसे बहुत सारी जो भी जानकारियाँ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। यूजफुल क्यों रहेगी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हमें अमूमन ये आइडिया नहीं होता कि हम जिस लोकेशन पर रहते हैं क्या वहाँ पर हमें अगर मान लीजिए कोई फर्नीचर ख़रीदना है तो एक अच्छी फर्म जहाँ मुझे हमारे मन मुताबिक जो है वो फर्नीचर जो है वो हमें लेना है तो कोई एक अच्छी फर्म हमें मिल जाए, तो उसका अगर रिकमेंडेशन हमें मिलता है तो हमें क्या डिसीज़न लेने में बहुत ईजी जो है वो रहता है। मेरे साथ में मोदी फर्नीचर अनलिमिटेड के MD मिस्टर प्रतीक मोदी साहब मेरे साथ में हैं। अभी हम लोग जो है आपसे कुछ इंटरेक्शन करेंगे और आपको ये बताएंगे कि कैसे जो है आप एक अच्छी फर्म से जो है फर्नीचर सभी तरह का आप जो है वो खरीद सकते हैं। इस फर्म की इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंस है, आफ्टर सेल सर्विस क्या है, किस किस तरह के फर्नीचर आप बनाते हैं, वो सारे के सारे हम लोग बात कर रहे हैं। तो बने रहिए, आपको ये वीडियो जो है, आपको ये जो आज बिजनेस डॉक्यूमेंट्री जो होने जा रही है ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। ना केवल ये जयपुर के लिए है बल्कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि मैं जिस फर्म को अभी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो फर्म सन 2000 से एक बहुत अच्छी जो फर्म है जयपुर की मानी हुई है और मोर देन 16 कंट्रीज के अंदर आपका जो है एक्सपेंशन है, बिजनेस जो है वो 16 स्टेट्स के अंदर जो है वो आपकी प्रेजेंस है और बहुत अच्छे से आप लोगों को अच्छे फर्नीचर विद अच्छी फैसिलिटी के साथ में सर्व कर रहे हैं। आपके जो है अभी हम लोग मैं कुछ बातचीत कर रहा था कि प्रतीक जी साहब बता रहे थे कि मेरे दादाजी ने ये जो बिजनेस है वो चालू किया था। बहुत बढ़िया, अभी हम लोग इंटरेक्शन पर आते हैं और आपको बताते हैं कि पूरे भारत के लिए कैसे ये एक मोदी फर्नीचर अनलिमिटेड जो है वो आपके लिए बहुत बढ़िया एक निर्णय खरीदारी में और भी हो सकता है। आपका प्रतीक जी साहब बहुत बहुत आभार कि आपने जो है कि आपने एक बहुत अच्छा अवसर हमें दिया कि जयपुर की मानी हुई फर्म उससे आज हम लोग जो है बिजनेस ऑपरेटिंग तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा प्रतीक जी साहब हमें बताएं इस फर्म को कितना टाइम हो गया, करीब इस फर्म को जो है वो क्या बोलते हैं इसको किन्होंने शुरू किया था, वो थोड़ा सा जो है तो इस हमारी जो कंपनी है इसे लगभग 22 साल हो गए हैं। ये ईयर 2000-2001 के आसपास स्टार्ट किया था दादाजी ने। उन्होंने पहले कूलर का काम चालू किया था, डेजर्ट कूलर जो आते हैं लोहे के, उससे स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे हम लोग स्टील अलमीरा बनाने लग गए, स्टील टेबल्स हो गई, स्टील फर्नीचर से स्टार्ट किया। फिर बाद में हम वुडन फर्नीचर में आ गए। ओके, आप जो देख रहे हैं ये वुडन टेबल्स वगैरह ये सब, इनको हमें लगभग 15-20 साल हुए हैं और ये मॉड्यूलर फर्नीचर कहलाता है। मोस्टली मॉड्यूलर फर्नीचर का मतलब है जो इजीली असेंबल हो जाए और है ना आपके कस्टमाइजेशन के हिसाब से हो जाए जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो। तो आज हम मॉड्यूलर फर्नीचर का काम कर रहे हैं और इसमें सोफाज आ गए, टेबल्स हो गई, चेयर्स हो गई, वर्क स्टेशन हैं, वार्डरोब्स हैं। बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूँ कि अभी ये जो फर्म है उसके अंदर किस तरह के क्या कुछ आपको यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट से ही मालूम चल रहा होगा कि किस तरह से क्या कुछ फर्म है। तो हमारी जो है यहाँ ये जो मोदी लिमिटेड अनलिमिटेड है इसकी शुरुआत कितने साल, कौन से सन से हुई है? ये 2000 से स्टार्ट होता है, 2000 के अंदर हमारा जो है वो शुरुआत। किस किस तरह के आप फर्नीचर में डील कर रहे हैं सर? जैसा मैंने आपको बताया मोस्टली ऑफिस फर्नीचर होता है। ऑफिस फर्नीचर के अंदर टेबल्स, चेयर्स, वर्क स्टेशन जो आजकल बड़ी IT कंपनीज में, बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में, इन सब में जो लगता है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं वो हम बनाते हैं। तो वर्क स्टेशन हो गया, इसके अलावा हम स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन सब का भी फर्नीचर बनाते हैं सभी तरह का। ये हम काम आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल हो चाहे ऑफिशियल फर्नीचर हो, अपने होम फर्नीचर का हो, सभी तरह का
यूनिट कहाँ पर है? मैन्युफैक्चरिंग आपका खुद का है या मतलब आप? हाँ, किस तरह से? तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहीं BKI रोड नंबर 1 पे है, जयपुर के अंदर। 50,000 स्क्वायर फीट एरिया है हमारे मैन्युफैक्चरिंग में। उसमें विद इन आवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वी हैव 3 डिविजन्स। सो मोस्टली एक तो वुडन का होता है काम, एक होता है चेयर्स एंड सोफास का, और एक होता है स्टील का। स्टील रिलेटेड काम जो है वो हम काम करते हैं। 50,000 स्क्वायर फीट के अंदर दोस्तों समझ सकते हैं कि जो है एक कितनी अच्छी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है। अभी हम एक इसी मैटर पर आगे और आने वाले हैं कि आपका एक्सपेंशन किस तरह से क्या रहेगा। उससे पहले हम लोग जो है वो ओली पर कर लेते हैं कि आपका जो अभी प्रेजेंस है वो ओली इंडिया प्रेजेंस किस तरह की है। तो हमारा क्या होता है, हम बड़े ब्रांड से जुड़ते हैं, हम उनके परमानेंट फर्नीचर वेंडर बन जाते हैं, और उन लोगों का जहाँ जहाँ पे भी ब्रांचेस खुल रही है हम उनका काम करते हैं। तो हम लोगों ने लगभग 16 स्टेट्स का काम किया हुआ है। काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं जिनके लिए हम रेगुलरली फर्नीचर सप्लाई करते हैं, और पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ पे भी उनकी ब्रांचेस हुई या ऑफिस हुए हमारा ही फर्नीचर जाते हैं। अगर कोई कस्टमाइज लेना है तो कस्टमाइज भी करते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम जो भी हमारे क्लाइंट्स के लिए मोस्टली कस्टमाइज फर्नीचर ही होता है। उनकी साइट होती है, उसके हिसाब से डिज़ाइनिंग एंड ड्राइंग होती है। उनको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए हम हमारे फैक्ट्री में सैंपल्स बना के उनको शेयर करते हैं, वो अप्रूव होके ही उनके ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस में जाते हैं। इतना अच्छा आपका बिजनेस है, तो अभी एक्सपेंशन का कोई और कोई प्लान भी कर रहे हैं? हाँ, तो हम हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हम उसी को एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं। हम उसी को 10 times बढ़ाना चाहते हैं, और क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क है हम शोरूम को अभी फिलहाल और ब्रांचेस नहीं लाएंगे, बट पहले हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर हम हमारी जो डिस्प्ले यूनिट है उसको भी हम और लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए भी विशेष लग रहा है क्योंकि एक ऐसी फर्म जो वास्तव में जो है हमें एक समाधान प्रोवाइड कराती है कि फर्नीचर किसी भी तरह का क्यों ना हो, लेकिन जो है अच्छा दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जैसे होता है ना कि मान लीजिए कोई किसी सिटी से बाहर से होते हैं या मान लीजिए जयपुर से बाहर से कोई आते हैं, जयपुर आते हैं, उनको ये आइडिया नहीं होता कि एग्जैक्टली फर्नीचर जो है वो मुझे अगर लेना है, ऑफिस बनाना है या MNC कोई कंपनी आ रही है, तो उनको आइडिया नहीं होता है। अगर ये पता चल जाता है कि एक बहुत बड़ी फर्म और एक बहुत यूनिक फर्म जो है वो मोदी अनलिमिटेड जयपुर के अंदर है जिससे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। आपका ऑनलाइन परचेज किस तरह का है साहब जो है? जी सर, सो क्योंकि हम जो फंड जिस तरह का फर्नीचर बनाते हैं वो हैवी होता है, क्योंकि हम ड्यूरेबिलिटी पर फोकस करते हैं, तो अभी हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन फर्नीचर जो बनता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब हल्का होता है और ईजीली कैरेबल होता है, जो कहीं पे भी आप शिपमेंट के थ्रू भेज सकते हैं। तो हमारा फर्नीचर हैवी है तो हम ऑफलाइन मार्केट में ज़्यादा प्रेजेंस है हमारी, पर ऑनलाइन हमारी एक वेबसाइट है जिस पे हमारा कैटलॉग है पूरा, आप लोग हमारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं उस पे, और धीरे धीरे हम ई कॉमर्स में भी आ जाएंगे कुछ सालों में। आप सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा बता रहे थे, सोशल मीडिया पे? हाँ, तो हमारी वेबसाइट भी है और सोशल मीडिया पेजेस भी हैं ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, एवरीवेयर। हम वहाँ पे रेगुलरली ब्लॉग्स अपडेट करते हैं, हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपकी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग कि आपको किस तरह की चेयर लेनी चाहिए, आपकी ऑफिस में क्या क्या आपके हैबिट्स होनी चाहिए, सो दैट आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो। ट्यूटोरियल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है? हाँ बिल्कुल, हम हमारी वेबसाइट पर रेगुलरली अपडेट करते हैं एवरी वीक, मैं खुद ही ब्लॉग्स लिखवाता हूँ। बहुत जरूरी है, और आप तो यंग जनरेशन है तो आप तो ऐसे समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो कितना लोगों के लिए यूजफुल होती है। अभी आपका जो फेसबुक पेज है या जो आप लिंक्डइन पेज जो भी है वो किस नाम से है प्रॉपर, थोड़ा वो भी बता दें? हमारा मोदी फर्नीचर्स के नाम से ही है, मोदी फर्नीचर, और मैं लिंक्स भी आपको शेयर कर दूंगा सो दैट आप वीडियो में ऐड कर देंगे। दोस्तों हम लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स देने वाले हैं, वेबसाइट के देने वाले हैं, कॉन्टैक्ट के देने वाले हैं, जो भी आपके पेजेज हो रहे हैं आप इन सब की जो है आपको सारी जानकारी आपको। इसके अलावा मैं अपना पर्सनल नंबर भी आपसे शेयर कर दूंगा सो दैट अगर कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड इंक्वायरी हो या हमारे ब्रांड से के रिलेटेड कुछ हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते। बहुत बढ़िया सर, अपना डिलीवरी सिस्टम किस तरह का? जैसे ऑल इंडिया बोल रहे हैं 16 स्टेट्स में अपना काम है, तो अपना डिलीवरी किस तरह से होता है? सो हमारा जो भी फर्नीचर होता है वो साइट के अकॉर्डिंग हमारी फैक्ट्री में बनता है, कंप्लीट डिज़ाइनिंग होके सैम्पलिंग होके फैक्ट्री में बन के वो पैक होता है, देन असेंबल वो डिलीवर हो जाता है वहाँ साइट्स पे, और वहाँ पे हमारी असेंबली टीम जाती है
और वहाँ असेंबल करके उनको पूरा फर्नीचर बना के देते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं और बनाए, ऐसा लगता है कि वो वहीं पर बना हुआ है। एक आपसे जानना चाहेंगे, आपकी फर्म के आगे अनलिमिटेड लिखा हुआ है, थोड़ा बताएंगे? वो बड़ा अट्रैक्ट करता है, मैं जब भी यहाँ से निकलता था तो मुझे लगता था कि अनलिमिटेड एक बहुत यूनिक शब्द है, क्या चीज़ है? तो अनलिमिटेड लगाने का आइडिया बेसिकली आई कैचिंग था, ये थोड़ा सा हमारा ब्रांड नेम आई कैचिंग लगे। और अनलिमिटेड का एक मीनिंग भी होता है कि यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विस की लिमिट नहीं है। हम अनलिमिटेड हमने इसलिए एसोसिएट किया है कि आप तो कैसी भी कैसा भी फर्नीचर चाहिए हम लोग आपको प्रोवाइड करके देंगे और हमारी सर्विसेज अनलिमिटेड है। सो ये हमारा थोड़ा सा अनलिमिटेड का है। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के जब रिव्यू आते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एग्जैक्टली हमें अगर कोई चीज़ अगर जानकारी भी होती है और उसका प्रमोशन भी हमें कोई करते हैं तो जाहिर है कि हम लोगों को उस चीज़ का अच्छा लगता है। अकॉर्डिंग टू डिमांड आप लोग उसमें करते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आप एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आपका जो है थोड़ा मार्केट के अंदर फर्म्स होती हैं काफ़ी सारे, कोई अगर एक विशेष यूएसपी के अंदर मैं बात करूं तो आपका सेल्स पे या मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी क्या यूएसपी है कि आपसे कोई बड़ी इंस्टॉलेशन जो ऑलरेडी जुड़ी हुई है मोर देन 60 डिस्ट्रिक्ट्स में, तो आपको लग रहा है कि बड़ी फर्म्स के साथ है? जी बिल्कुल। सो मार्केट में जो फर्नीचर है, फर्नीचर मोस्टली 80% अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है फर्नीचर, क्योंकि उनको जो छोटे खाती हैं या फिर कुछ छोटी फर्म्स हैं जो कुछ एक मशीन खरीदती और उससे बनाते हैं, प्लस मोस्टली काम मैनुअल होता है। उस केस में हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ना, हमारे पास हर एक प्रोसेस की एडवांस मशीन है, जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन्स हैं। 100% काम हमारा उन मशीन्स के थ्रू करते हैं, चाहे वो कटिंग हो, एज बेंडिंग हो, और इवन एक स्क्रू का होल भी करना हो ना तो हम मशीन से करवाते हैं, तो जिससे एक्यूरेसी और फिनिशिंग ज़्यादा अच्छे से आती है। ये आप हमारी यूएसपी कह सकते हैं कि हम फिनिशिंग एकदम बेस्ट देंगे और वो फर्नीचर पे ड्यूरेबल भी रहता है। सर्विस की बात आती है तो हमारे जो सेल्स टीम है, हमारे जो कस्टमर सर्विस सपोर्ट है, अगर आपने हमसे फर्नीचर लिया है और आप कुछ सालों बाद भी आप उसकी सर्विस करवाना चाहते हैं तो हम एनी टाइम आपके लिए हैं, चाहे एक छोटा लॉक भी चेंज करा रहा हो या चेयर का व्हील भी हो, हम लोग करके देते हैं। तो ये हमारा सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूनिक है बाकी मार्केट से। बहुत बढ़िया प्रतीक जी, बहुत बढ़िया बात है। अभी हम लोग आपको थोड़ा एक शोरूम में विजिट आपको थोड़ा कराना चाहेंगे, तो आप थोड़ा कैमरा मैन से आपको कौन से दिखाते हुए इसी तरह से ले जाए। दोस्तों अभी हम लोग जो है आपके सेल्स टीम से भी थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे, आपके वो जो है इसको कवर कर दीजिए। हाँ नमस्कार साहब, संजय जी नमस्ते। बहुत बढ़िया, बता रहे थे आपके बारे में कि बहुत अच्छी जो सेल्स को जो कोऑर्डिनेट है आप। दोस्तों यहाँ संजय जी जो है वो सेल्स हेड है, यहाँ पर आपकी जो भी टीम है उस सेल्स टीम को जो है वो आप हैंडल करते हैं। और आपसे मेरी जब बातचीत हो रही थी आप मुझे बता रहे थे कि कैसे मैं ऑल इंडिया के अंदर सेल्स को कोऑर्डिनेट करता हूँ और लोगों को सर्व करता हूँ। तो संजय जी आपका स्वागत है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो ऑल इंडिया जो कर रहे हैं सर, कुछ मेजर क्लाइंट्स किस तरह के हैं और क्या कुछ आप देख रहे हैं? तो हमारा जो क्लाइंट सर्कल है, जैसे फाइनेंस सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हो गई, वो सारी कंपनियां हैं। उसके अलावा जो आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग का काम चल रहा है उस तरह की भी कंपनियां हैं सारी, प्लस जो इंफ्रा से रिलेटेड कंपनियां हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाती हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनियां हैं, वो सारा सब कुछ हम करते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे कि मैं बात आपको जैसे कि मैं बताऊँ, हम बात करते हैं फाइनेंस सेक्टर के अंदर, तो हम पैन इंडिया एक ही कॉन्सेप्ट एक ही डिज़ाइन पे सबके ऑफिस डिज़ाइन करते हैं, एक ही कलर थीम के अंदर सारा वर्क होता है। तो इस तरह से सारा वर्क होता है हमारा, डिजाइनिंग सारा हमारा यहाँ होता है, फैक्ट्री सेटअप हमारा यहाँ है, सारा सब कुछ यहीं बनता है, यहाँ से हम डिस्पैच भी पैन इंडिया करते हैं, एक्सपोर्टेशन की टीम हमारी यहीं से जाती है, सब कुछ ऑलरेडी प्री सेटअप हमारा यहाँ होता है, यहाँ से हम पैन इंडिया पूरे डिज़ाइन सेट करते हैं। दोस्तों संजय जी बता रहे थे कि जो बड़ी इंस्टीट्यूशन होती है जहाँ पर 500, 700 या मान लीजिए 300-400 लोग जो है वो क्या बोलते हैं, 300-400 लोग क्या करते हैं एक साथ बैठते हैं,
वहाँ पे देखा होगा कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज है वहाँ का फर्नीचर बिल्कुल अलग होता है, उनका डिजाइनिंग बनाने वगैरह का होता है। तो विशेष बात है कि बड़ी जो इंस्टीट्यूशन जहाँ पर कि इस तरह के फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ आपको फाउंडेशन बेस से लेकर कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएगा। तो ये आज आपके लिए जो है डॉक्यूमेंट्री हमने तैयार की है, और मोदी फर्नीचर अनलिमिटेड जो जयपुर की जो फर्म है जिनकी VKI जयपुर के अंदर रोड नंबर 1 पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री 50,000 स्क्वायर फीट की है, उस फैक्ट्री को हम रिकमेंड करते हैं कि आप ना केवल जयपुर बल्कि जहां भी आप ऑल इंडिया से देख रहे हैं, जो 16 स्टेट्स में तो प्रेजेंस भी है और अब्रॉड में भी जो NRIs वगैरह देख रहे हैं, वो भी अपने लिए अपने लिए किसी भी तरह के अगर फर्नीचर की सोचते हैं तो डेफिनेटली जो है वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग उनके कॉन्टैक्ट वगैरह यहाँ पर डिटेल सबमिट कर दी जाएगी। इनके दो शोरूम है जयपुर के अंदर, एक शोरूम ऑफिशियल के अंदर है, एक शोरूम आपका जो है वो होममेड फर्नीचर का है, उसकी भी आपको एक जो है डॉक्यूमेंट्री में ऐड कर दी है। ओके, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। आपका दोस्त भवानी शंकर भटोई, यही बने रहें।